हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज वर्ल्ड आयान। तो आज है दिवाली। दिवाली की सुबह इतनी सुंदर हो गई और बच्चों ने बहुत सारे फटाके फोड़े। पूरा वीडियो देखना, इतनी अच्छी तरीके से दिवाली हमने सेलिब्रेट करी। तो भगवान की पूजा से, भगवान के हार से, हमारे गाड़ियों का हार बनाया मैंने, घर के बाहर डोर का हार बनाया। तो हार बनाते बनाते ही मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत बड़ा डोर का ऐसा यू शेप में हार बनाना था। वो मैंने शाम को मतलब जब भी रंगोली वगैरह निकाला तब मैंने शेयर किया है कि कितना अच्छा लग रहा है डोर का हार। तो बस तो मिट्ठू मुक्ठू मुख के अच्छे तरीके से रेडी हो गई हूँ, जो मुझे इतना पसंद आया मेरा मेकअप। फिर मैं हो गई हूँ रेडी, आज है दिवाली लक्ष्मी पूजन। तो मैंने हल्का सा मेकअप किया है और कुछ भी इतना नहीं किया है। उसका पूरा शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, आप देख सकते हो मैंने कैसे इतना अच्छा सा सिंपल लुक, जिसमें मैंने घड़ी वॉच किया है, थोड़े से बैंगल वॉच किए, ये वाली मैंने इयररिंग्स डाली है और ये वाली अनारकली कुर्ती है जो बोली है। तो चलिए अभी फटाफट लक्ष्मी पूजन करते हैं। सुबह तो आपने देखा सब हार वार मैंने बनाया, सब कुछ लगाया मैंने हार वगैरह। आज मैंने साड़ी वेयर नहीं की, बोला थोड़ा सा न्यू हो जाए, अलग हो जाए। वही साड़ी घिसी पिटी, मुझे साड़ी इतनी पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा कम्फर्टेबल इसमें होती हूँ। वो साड़ी भी पसंद है, कभी कभी डाल लेती हूँ, मेरे मन पर रहता है डिपेंड सब कुछ। बस तो अभी सब कुछ हो गया है, अभी हस्बैंड ने ऑलमोस्ट आज मुझे हेल्प करके सारी तैयारी कर दी है। लाइट इतनी नहीं आती है यहाँ पर। हाँ, तो अभी बस भगवान की पूजा की है, अभी सब जैसे कि मेरा गोल्ड वगैरह है वो सब की पूजा करनी है। तो चलिए करते हैं फटाफट। बस तो अभी रेडी हो गई हूँ मैं और हमने अच्छी तरीके से लक्ष्मी पूजन कर लिया। तो हम लोग हमेशा ऐसे गोल्ड, पैसा, कार्ड्स, उस सब की पूजा करते हैं। और आगे देखना, मैंने ट्राईपॉड्स की वगैरह भी अच्छी तरीके से पूजा की है और बहुत बहुत अच्छा लगा। और हमने लाया था काजू कतली, तो काजू कतली रख दिया मिठाई में। पूजा भी हो गई है और मैंने ट्राईपॉड्स की, मेरे गैस की, मेरे फ्रिज की, सभी मुझे इतनी इम्पॉर्टेंट है, सभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और गर्मी बहुत हो रही है। और हम लोग गाड़ी की पूजा करने गए थे नीचे, क्योंकि गाड़ी हमारे लिए हमारी लक्ष्मी है, क्योंकि हम इतना जगह घूमते रहते हैं बाइक पर हमारी गाड़ी ने कभी हमें धोखा नहीं दिया, हम हमेशा हमारे भगवान का नाम लेके ही निकलते हैं। तो दशहरा में मेरे से इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, बिकॉज मुझे पीरियड्स थे। तो अब बोला लक्ष्मी पूजन में तो मुझे अच्छे से पूजा करनी है। मैंने मेरे ट्राईपॉड्स की, क्योंकि ट्राईपॉड्स मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब चालू कर सकती हूँ। मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स है और आज मेरे ट्राईपॉड ने मुझे बहुत, मतलब बोलूँ ना, मुझे मेरी इतना साथ दिया है ना, मतलब मेरे लिए वो मेरी लक्ष्मी है, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं शूट कर पाई और मेरा मोबाइल जो वो तो है ही। तो बस अभी हो गया है और मेरे ट्राईपॉड मुझे बहुत दिल से अटैचमेंट है, तो उसकी तो पूजा करनी ज़रूरी थी। हस्बैंड का लैपटॉप पूजा कर ली है, बस अभी फटाखे फोड़ना है जाके और ऐसे हो जाएगा हमारे लक्ष्मी पूजन अच्छी तरीके से, मस्त एकदम। तो मेरी सुंदर सुंदर रंगोली जो इतनी मस्त लग रही है। और अभी देखिए हार जो मैंने सुबह बनाया था,
कितना सुंदर लग रहा है और इतने दीवे बनाए मैंने। यहाँ एंट्रेंस हमारा जो ऊपर आता है उधर भी रंगोली थोड़ी सी बनाई, फिर हम लोग मस्त अभी फटाके फोड़ने के लिए नीचे आ गए, जो बहुत इतना अच्छा लगा ना, मेरे बचपन के दिन मुझे याद आ गए। पापा मेरे इतने सारे फटाके लाते थे, तो सेम आज हस्बैंड ने भी मेरी पूरी इच्छा पूरी कर दी। वैसे मुझे ही पता नहीं, 2-3 सालों से इतना इंटरेस्ट नहीं था फटाके फोड़ने का, पर बोलते हैं ना कि कभी भी क्या मेरे साथ तो हो सकता है, तो मुझे इस साल इतना फटाके फोड़ने का मन था। हस्बैंड को बोला मुझे फोड़ना ही फोड़ना है, और स्पेशली आयन भी था साथ में, तो बोला हम लोग इस बार ना फुलझड़ी वगैरह सब कुछ लाएंगे, और वो जो रहता है चक्री और ये पाउस बोलते हैं वो सब लाया हमने, और इस बार बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। तो ऐसा हमारा दिवाली इस बार तो इतना, मतलब मुझे लिटरली मैं छोटे बच्चों की तरह, वो जो गन होता है ना मेरे आयन का, मतलब मेरे बेटे का गन, उसके अंदर वो जो रोल फोड़ता है ना, वो तो मैंने लिमिट ही पार कर दी। मेरे घर आके इतना बजाया वो, मतलब मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने मिल के तो इतना मज़ा आया कि पूरा मतलब बचपन वाले दिन ही याद आ गए, जो हम लोग इतना मतलब लिटरली वो 2-2, 3-3 थैला भर के पप्पा लाते थे फटाके और हम लोग फोड़ते थे। तो दोनों बच्चों ने इतना मज़ा किया, और अभी तक छोटे हैं ना तो उनको इतना आता नहीं है, तो थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ के लिए उनका हाथ पकड़ना पड़ता है, फिर से बड़े हो जाएंगे तो फिर बहुत ही एंजॉय करेंगे वो लोग, तो उनके बदले में तो मैंने ही पूरा एंजॉय कर लिया। देखिए यहाँ पे वो फुलझड़ी के पैकेट तो ऐसे ही हमने ख़त्म कर दिए इतने मस्त। अभी हो गई है हमारी दिवाली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन बोलिए, पटाखा वगैरह फोड़ दिया है, मेरे कान इतने दर्द करने लगे ना, मैंने पहले कान के निकाले बस। तो अभी हम लोग डिनर करेंगे, और मैं तो नहीं करती हूँ, मैं तो 5:30-6 बजे खा लेती हूँ, पर आज मुझे सोच रही हूँ तो खाऊँ। अभी बजे 9:15, पीछे फोड़ रहा है, और तो बस अभी आके मेकअप निकालूंगी पहले। इतना हाँ क्या हुआ, इतना मुझे अच्छा लगा इस बार दिवाली मना के, थोड़ा कान में नहीं डाल लेती हूँ, इतनी मज़ा आई मुझे, और इतना हमने फटाके एंजॉय किया, क्योंकि पिछले 3-4 साल से मैंने फटाके नहीं फोड़े, आज इस साल मैंने फटाके फोड़े। ऑफिस में ही थी तो मैं आती थी 9:30-9 बजे, तो उस वजह से कुछ एंजॉय नहीं किया, तो इस बार मैंने सोचा अच्छे से दिवाली स्पेशली लक्ष्मी पूजन तो एकदम अच्छे से सेलिब्रेट करना है, मतलब फटाके फोड़ने फटाके लाना है। बस अभी मेकअप निकालूंगी और बस आज का दिन यही ख़त्म होता है, और भाऊ बीज वगैरह है तो थोड़े थोड़े रखे आयन के लिए, वो बंदूक में डाल के वगैरह वो फोड़ेगा, तो चलिए बस हो गया।